नमस्कार, न्यूज़ सुर भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सैयद शबाब। भविष्य निधि पर ब्याज दर को लेकर ईपीएफओ और वित्त मंत्रालय आमने सामने हैं। एक तरफ ईपीएफओ और ब्याज दर बढ़ाने के लिए अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ वित्त मंत्रालय का कहना है कि ब्याज दर को कम किया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से पीएफ पर ब्याज दर बढ़ने के लिए भेजे गए प्रस्ताव को वित्त मंत्रालय ने अस्वीकार कर दिया है। सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी है कि वित्त मंत्रालय चाहता है कि ईपीएफओ निधि से जुड़े कर्मचारियों को 8.65% की दर से ईपीएफ पर ब्याज ना दें। इससे पहले अप्रैल में खबर आई थी कि वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि पर 8.65% ब्याज दर को मंजूरी दे दी है। इससे पिछले वित्त वर्ष में ईपीएफओ ने अपने अंशधारकों को 8.55% की दर से ब्याज दिया था। ऐसे में अगर ईपीएफओ वित्त मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों को लागू करता है तो देश भर में करीब 8.5 करोड़ एम्प्लॉयज़ को झटका लग सकता है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर भारत। धन्यवाद।